नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। केन विलियमसन, जिन्होंने भारत से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जीत छीन ली थी 2021 में, वही केन विलियमसन आज भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा मोहरा साबित हुए। अब आप सभी को पता है कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था। चौथे टेस्ट मुकाबला जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा था, उससे ज्यादा निगाहें थी लोगों की श्रीलंका और न्यूजीलैंड वाले टेस्ट मुकाबले पे। अगर न्यूजीलैंड उस टेस्ट मुकाबले को जीत जाती तो टीम इंडिया सीधा फाइनल में पहुंच जाती वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, और हुआ भी ऐसा ही। वो 3 सेंटीमीटर की कहानी जिसने भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाया, वही आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया, जो कि रहा ड्रॉ। 5 दिन का खेल समाप्त होने पर भी भारत की दूसरी पारी आई ही नहीं और यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। अब श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट मुकाबला चल रहा था वो ड्रामा से भरा हुआ था। इतना शानदार टेस्ट मुकाबला आपने शायद ही क्रिकेट इतिहास में पहले कभी देखा होगा। केन विलियमसन चौथी पारी में न्यूजीलैंड को जीत दिलाने में कामयाब रहे। सबको लग रहा था कि शायद ये मुकाबला भी ड्रॉ हो जाएगा और टीम इंडिया को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए। लेकिन केन विलियमसन ने 194 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 121 रन बनाए। आखिरी गेंद, जी हां, आखिरी गेंद न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए था 1 रन। केन विलियमसन बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि गेंद से तो टच नहीं करवा पाए बल्ले को, लेकिन रन दौड़े वो सूझबूझ के साथ। रन दौड़े, गेंद स्टंप्स पर लग भी गई, लेकिन सिर्फ 3 सेंटीमीटर पहुंच चुके थे, 3 सेंटीमीटर अंदर आ चुके थे क्रीज के, जिसके बाद वो 1 रन आखिरी गेंद पर ही पूरा हुआ। ये पहली बार नहीं है जब केन विलियमसन ने आखिरी गेंद पर टेस्ट मुकाबला जिताया हो। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने ऐसा ही कुछ करके दिखाया था, और इस बार ये साबित हुआ फायदेमंद टीम इंडिया के लिए, क्योंकि टीम इंडिया उन 3 सेंटीमीटर की वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। अब लग रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली धन्यवाद संदेश भी भेजना चाहेंगे केन विलियमसन को। और जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये टेस्ट मुकाबला चल रहा था, लंच का समय था, जब ये खुशखबरी आई कि न्यूजीलैंड ने ये मुकाबला जीत लिया है, सूर्य कुमार यादव मैदान के बीच में स्टंप्स के पास कहते हुए भी नजर आए कि टेंशन खत्म हो गई है, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात करें तो इंग्लैंड के ओवल में यह मुकाबला खेला जाएगा 7 से 11 जून के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब इन 3 सेंटीमीटर की वजह से टीम इंडिया फाइनल में तो पहुंच गई है, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया इंग्लैंड के ओवल में हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत पाएगी? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।